नंबर फाइव, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का ए गुणनखंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, तो दूसरा क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं इसके लिए आइडेंटिटी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के लिए आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो एक गुणनखंड ये दिया है तो दूसरा ए प्लस बी प्लस सी ना हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स।